एक आदमी को आप सत्ता रखेंगे तो वो फिर तानाशाह बन जाएगा, उसके सोचेगा कि हम ही चुप हैं, इसी को नहीं सुनेगा वो, ये बात। और बदलते रहेंगे तो ये सोचेगा कि नहीं, हमने पिछली बार कुछ गलती किए थे हैं, तो इस बार सुधारें हम। नहीं, सत्ता परिवर्तन तो इस बार लगता होगा, क्योंकि जो पब्लिक है वो मन बना लिया है। जिस भी समीकरण से देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि रीवा में विधायक जी की हार होगी, मतलब शुक्ला जी की टक्कर में नहीं है। नहीं है, बाकी अन्य सीटों पर आप चले जाइए। नमस्कार, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है तो रीवा में भी इसका असर दिख रहा है। रीवा में हम पहुंच चुके हैं और इस समय इटौरा बाईपास में है जो कि रीवा विधानसभा में आता है। क्या माहौल है चुनाव का? ये तो उसमें आता है, रीवा में आता है। रीवा में हम तो ऐसा है कि अभी रिटायर हुए हैं, करीब 6-7 साल हो गया जी, बाहर रहते थे हम। अब माहौल देखिए ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा अभी भाई, ये वैसा मत है। आजकल पब्लिक स्वतंत्र है, वो कहेगी कुछ करेगी कुछ, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा माहौल। लेकिन क्या होना चाहिए, सरकार वही की बदलनी चाहिए? वैसा बदलना चाहिए, सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है कि तानाशाह बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ जो मठाधीश बैठे हैं इतना जल्दी वो हिलने वाले नहीं हैं। हाँ, कहें जो यहाँ है नेता इतना जल्दी जाने वाले नहीं हैं। अब देखिए आजकल तो जाते नहीं, आजकल काम दाम दंड भेद सब नहीं तपनाते हैं सत्ता के लिए। तो आजकल उन्हीं के तो राज्य है। अच्छा, बदलाव देखिए ऐसा है कि एक आदमी को आप सत्ता में रखेंगे तो वो फिर तानाशाह बन जाएगा, उसके सोचेगा कि हम ही चुप हैं, किसी को नहीं सुनेगा वो, ये बात। और बदलते रहेंगे तो ये सोचेगा कि नहीं, हमने पिछली बार कुछ गलती किए थे हैं, तो इस बार सुधारें हम। ऐसा है, सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो सोचेंगे कि हम ही हैं सब। चलो और लोगों से बात करते हैं। क्या भैया, क्या है चुनावी माहौल इस समय का? बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू। हाँ बताइए कुछ, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा बातचीत हो जाए। बढ़िया। काका लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही होगा? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो इस बार लगता होगा क्योंकि जो पब्लिक है वो मन बना लिया है जी, और जो ये सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में है तो लगभग इससे हर आदमी त्रस्त है, क्योंकि कहीं भी कोई इसी काम के लिए जाइए तो इनके अलावा, इनके आदमियों के अलावा किसी और का काम होता नहीं है। तो जो आम पब्लिक है, जो नेता मन नेताओं से जिनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, वो बहुत परेशान है और मूल रूप से वो परिवर्तन चाहती है। और अब रही बात इनके प्रत्याशियों की जीतने हारने की, तो वो तो ठीक है, जो जितना सशक्त है वो जीत सकता है, हार सकता है। अच्छा, रीवा जिले में क्या सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि नहीं है? रीवा ज़िले में बहुत ज़रूरी है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि आज 20 साल से हम देख रहे हैं कि वही लोग सत्ता पर विराजमान हैं, अपने मनमाफिक काम कर रहे हैं और सिर्फ उनके ही लोगों का काम होता है, जो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके सिपा सलार हैं, उन्हीं का काम होता है, बाकी आम पब्लिक का कहीं कोई काम नहीं होता, ना कोई सुनवाई होती, चाहे सरकारी कार्यालय में जाइए चाहे प्राइवेट में जाइए। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बार पूर्णतः परिवर्तन होना है, सरकार मध्य प्रदेश में बदल जाएगी। तो क्या लगता है कि अगर रीवा की जैसे बात करें कि रीवा में भी यही हो रहा है, तो रीवा में क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? रीवा में तो थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जो यहाँ प्रत्याशी हैं मैदान में जी, तो जिस भी समीकरण से देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि रीवा में विधायक जी की हार होगी, मतलब शुक्ला जी की टक्कर में नहीं है। नहीं है, बाकी अन्य सीटों पर आप चले जाइए तो कहीं कोई भाजपा का विधायक जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बदलाव यहाँ का भी होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, शुक्ला जी को विकास पुरुष कहा जाता है और कहते हैं कि हर वर्ग का विकास करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। अब उनका विकास तो वही 3-4 ओवरफ्लाई हैं रीवा में दिख रहा है, बाकी किसी तरह का कोई रीवा में परिवर्तन, और जो सरकारी ज़मीन है उन पे नज़र रहती है, वही आप देख लीजिए पूरे शहर में, जहाँ भी आपको सरकारी ज़मीन मिलेगी तो कहीं माल बनवा देना, कहीं कुछ करा देना, अभी सिविल लाइन आप देख ही रहे हैं काम चल रहा है, तो यही विकास है। बाकी आम अब कोई एक ऐसा नया काम रीवा में हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बता दीजिए, आप लोग भी तो 24 घंटा यही देख रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है क्योंकि हम बाहर से आए हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ की सरकारी ज़मीन का जो खेल होता है ये बड़ा लंबे होता है, इसको बेच लिया जाता है, कोई एक बिल्डर उसको दे दिया जाता है, ये क्या मामला है? ये तो आप देख ही रहे हैं सर, पिछले पंचवर्षी से चल रहा है। दादा कुछ बोले, दादा कहा भैया, लग रहा है पान में चूना चूना लगा है, चुनाव माल इस बार पान लगा ले। संदड़िया वाले बताइए कुछ, क्या संदड़िया, ये कौन आया हुआ है सरकारी जमीन खरीद रहा है? यह तो उनका शेयर चल रहा साल के व्यापारी आदमी के शेयर लगा। व्यापारी मतलब कौन, विधायक जी? व्यापारी ये हैं, व्यापार वाले हैं, इनका शेयर होता है। हाँ तब ना चल रहा, वही खरीद पर रोक बस। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है भाई साहब। और एक चीज़ और है, रोजगार की जब बात आती है तो कहते हैं कि रोजगार हम बहुत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाषण देने के लिए तो बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे हैं। सर आप रोजगार के नाम पर देख लीजिए, किसी एंगल से कहीं भी किसी भी संस्थान में आपको रोजगार अगर दिखाई पड़ता तो आप खुद समझ जाइए, आप भी खुद हमारे लोगों की तरह ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो आपको भी ये चीज़ दिखाई पड़ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। सिर्फ चुनावी वादे जब होते हैं तो इनके, चाहे मोदी जी के घोषणाओं में रोजगार की गारंटी देख लीजिए, चाहे इनके शिवराज सिंह के घोषणाओं में रोजगार है, बाकी कहीं कोई युवा या पढ़ा लिखा बेरोजगार जो पुरुष है, लड़का है, वो कहीं भी किसी रोजगार के लिए आए अपने आप को नहीं मानता है, ना शासन की तरफ से ऐसी कोई इनकी मंशा है रोजगार देने की। बड़े स्पष्ट बात बता रहा हूं, केवल कह सकते हैं कि हवाई भाषा घोषणाएं। भाई वही लाडली बहन, क्या भाई साहब, लाडली बहना, भाइयों के लिए भी कुछ दिए हैं मामा ने? कुछ नहीं दिए भाई। आप कहाँ से हो? यहीं से, यूनिवर्सिटी भाई। तो रीवा विधानसभा से रोजगार रोजगार मिल रहा है? शुक्ला जी तो बड़े अच्छे नेता है, कहते लोग है। इस बार क्या है रुख आपका? अरे हम सत्ता परिवर्तन की, वही क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी बोलिए। पान खा रहे हैं, यहाँ देखो भैया चटनी लगा रहे हैं, चटनी चमन बहार, और इसके साथ चुनावी बातें। युवा कितने साल के हो आप? 17 साल। 17 साल के, हाँ। अभी तो आप वोट डालोगे नहीं, पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी पढ़ाई होती है? किस स्कूल में हो? सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में आप? सैनिक जो रीवा सैनिक कोविड प्राइवेट स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती है, तो हो गया यहीं प्राइवेट, ज़्यादा सही है। तो पढ़े वहाँ तो फीस बहुत होगी ना प्राइवेट में? ज़्यादा नहीं है, 1250 मंथली की। मंथली 1250 मतलब कि साल का 12-14 हज़ार रुपये? नहीं 20 हज़ार हो जाता है। 20 हज़ार रुपये। अच्छा ये बताइए, आप वोट तो नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। राजनीति में क्या लगता है कि जो नेता बैठे हैं वो सही है कि गलत है? सर दुनिया को देख के, पिताजी को देख के लग रहा है कि बीजेपी ही सही है जहाँ तक है। पिताजी को देख के मतलब? बीजेपी, जो पिताजी के पक्ष लिए हैं हम बीजेपी लिए हैं, बाकी जो राजन शुक्ला हैं, संजय शुक्ला हैं, वो हो गया ठीक ठाक काम करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनसे, काम ठीक ठाक करते हैं। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं है? हमको नहीं लगता है। हमको कौन गड़बड़ लगता है? हमको गड़बड़ नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े, बीजेपी ठीक लगती है। हाँ यहाँ पे आप देखिएगा कि भुजिया वाले, वाह भुजिया वाले भैया, क्या हाल चाल है, किसको भून रहे हैं इस बार? ए भाई कुछ हो जाए बातचीत, अरे चुनावी बातचीत भाई, थोड़ा सा, अरे कुछ बता दो फटाफट से। हो भाई क्या हाल चाल? बढ़िया, क्या चल रहा है चुनावी? जो बड़े भाई साहब बोल दिए हैं उसी में हम भी मंजूर हैं, उसी में हम भी मंजूर हैं। क्या इस बार हो रहा है? ए भाई साहब आओ इधर। हाँ ओके ओके। अरे थोड़ा सा, अरे बोल दिए, तब बदला आई बीजेपी जाने वाली है। अरे है? सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, तो लोगों की एक ही मांग है, सरकार बदलनी चाहिए, क्यों भाई साहब? सही बात सर, बदलनी चाहिए तभी होगा विकास। ठीक है। ए भाई ये देखो भाई साहब भी है, भाई साहब, अरे गैया, ए तो जो आपने आलम देखा है यहाँ पे, का आगे भी देखिए, चाट फुल्की की एकदम दुकान सजी हुई है, मुस्कुराहट है, और दांत यहाँ पे चेहरे की मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि चमचम की चमक से भी ज़्यादा है। कहा भैया कहा चुनावी माहौल? चुनाव वोट परी चुनाव देखा, जीते खेते जीते वही करी है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? लड़ाई उड़ाई है टक्कर के ऐसे ही सब ऐसे है, नेता मजे का नहीं है, काम करने वाले नेता नहीं है जो पहले हुआ करते थे। कहे
अरे हो गए पहले से तो ठीक है जो कह रहे हैं। पहले गड़बड़ ज़्यादा थी, ये भाई काम धाम चल रहा है मतलब है ना? पहले से तो बहुत ठीक है। तो मतलब कौन इस बार, कौन बीजेपी फिर से? बीजेपी हो गया वही करिए। देखिए ये जो हैं, ये वोटर जो हैं, ये साइलेंट वोटर हैं, और साइलेंट वोटर से ही प्रदेश की सरकार बदलती है और बनती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का मिजाज है, और लोग हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव के पक्ष में है। लोगों का कहना है कि अगर विकास करना है तो फिर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है।